नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, कल एक न्यूज पब्लिश हुई थी, उस पर कल हम वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन आज हम उस पर बना रहे हैं। और एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई, जो कमेंट आप लोग करते हैं, थोड़ा सोच समझ के किया करिए। किसी, मान लो हमको भी बुरा लगता है और अन्य लोगों को भी बुरा लग सकता है इस बारे में, इसलिए आप जैसा बता रहे, हम जैसा सोचते हैं, प्रेडिक्शन लगाते हैं, वैसा ही कल के पेपर में भी निकला है, तो उसी पर थोड़ा हम आज वीडियो बताएंगे। देखिए, कल के पेपर में निकला है टाइटल कि अगले साल ही अध्यापकों की भर्ती हो सकेगी शुरू। क्योंकि कारण क्या है वो भी उसमें लिखा है कि कैबिनेट की मंजूरी यानी विधानसभा की मंजूरी के पश्चात भी अभी भी आयोग बनने में हो रही है देरी। उसमें टीजीटी पीजीटी और हायर के बारे में भी लिखा गया है, सब कुछ अच्छे से विधिवत बताया गया है कि अब इसकी परीक्षा अधिकतम संभावना है कि अगले साल हो, क्योंकि आयोग बनने में अभी भी काफ़ी समय लगेगा। इससे लगता है कि आयोग बनने में 2 से 3 महीने अभी भी लग जाएंगे, क्योंकि अभी राज्यपाल की सिग्नेचर के पश्चात ये अप्रूवल हो पाएगा, उसके पश्चात अध्यक्ष व सदस्यों का चयन हुआ और उसके बाद सचिव और अन्य कर्मचारी भी होते हैं। क्योंकि नया आयोग है, प्राइमरी से लगा करके अपर तक के भर्तियों को ये संपादित करेगा, इसलिए इसे व्यवस्थित ढंग से हर स्टेपों को बड़े क्रम से एस्टेब्लिश किया जाएगा, इसलिए बहुत हड़बड़ी में सरकार इसे बना नहीं है। अभी भी कार्यालय की बात चल रही, कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया, पहले सुनने में आ रहा था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का कार्यालय इसका कार्यालय होगा, लेकिन कल वाले पेपर में लिखा है कि कार्यालय पर भी विचार किया जा रहा है कि कार्यालय के लिए अगर कोई अन्य स्थान मिल सके, वो अगर अन्य स्थान ढूंढा जाएगा तो फिर और विलम्ब होगा। फिलहाल उसकी बिल्डिंग बनी बनाई है, अगर उसमें रखेंगे तो बिल्डिंग के लिए इनको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं हो सकती होगी, बस उसमें कुछ चेंज करने होंगे, बोर्ड वोर्ड ये सब चीज़ें हटाने होंगे, उसको उसी तरीके लगाना होगा। तो इन सब चीज़ों से लगता है कि आयोग, उसमें भी यही बताया कि आयोग बनने में लगभग 2 से 3 महीने लग जाएंगे, उसके पश्चात आगे चुनाव हैं, तो उन सब चीज़ों से लगता है कि परीक्षा आपकी, हमको भी लगता है, उसमें भी प्रेडिक्ट किया गया कि अगले साल ही परीक्षा होगी और अगले साल ही कोई नया विज्ञापन निकाला जा सकता है इस आयोग के द्वारा। लेकिन मुझे कुछ और दिखता है, आयोग क्यों, पहले वो परीक्षा कराएगा, परिणामों पर सिर्फ ध्यान देगा, उसके बाद नया विज्ञापन निकालेगा, तो हो सकता है लास्ट 2024 तक नया विज्ञापन आए या 25 प्रारंभ में नया विज्ञापन आ सकता है। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं फिर से करूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे नहीं लगते हैं तो आप कमेंट ना करें, गलत कमेंट ना करें, ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम काफ़ी लोग गलत कमेंट करते हैं, इससे थोड़ा सुविधा बैठती है। फिलहाल हम पर डे वीडियो बनाते नहीं हैं, तो न्यूज़ कोई अपडेट होती है तभी वीडियो बनाते हैं, या एक सप्ताह के बाद कोई अपडेट देने के लिए बनाते हैं। तो साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप पहली बार आए हैं वीडियो देखने चैनल पर, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।